तुम्हें ऐसे अचानक क्या हो जाता है वरदान? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अप्पू अपने घर पे है या नहीं है उसे तुम्हें क्या लेना? क्यों बार बार ऐसा करती हो? अब बोलोगी? बताओ क्यों गई थी अप्पू के घर? मुझे अपने सवालों के जवाब के अलावा कुछ नहीं सुनना। चली गई थी, मैंने तुम्हें मिस कैसे कर दिया? सिर्फ ये चैलात क्या? आप अपनी पूरी जायदाद भी लगा देना तो हम उसको भी डबल कर सकते, और आपके जीतने की गारंटी मेरी। आप तब तक जीत सकता है जब तक मैं चाहूं। इसे कहते हैं तीज का त्योहार, करता है खुशियों की बौछार। तैयार हो जा बेटा निगम, इस तीज पे तेरे ऊपर लक्ष्मी लक्ष्मी बरसने वाली है। खन 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 कर खन 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 खन। हे शिव जी, इस तीज और हर दिन मैं सिर्फ और सिर्फ मले की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ आपसे, पर आज मैंने उन्हें फिर से नाराज कर दिया। प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे हमारी केमिस्ट्री भी बिल्कुल आपकी और पार्वती माँ जैसी हो जाए। मैं इस तीज के दिन पक्का आपको शुद्ध घी वाले घेवर चढ़ाऊंगी। डोंट वरी, मेरे हाथों की नहीं, दुकान से लेके अच्छी वाली बिना नमक के। मैं जानती हूँ भगवान, मेरा रास्ता विनाश का और हर मोड़ पर आपने मेरा साथ दिया है, पर आज मैं आपसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूं दुनिया की नजरों में मेरा मले पर कोई हक नहीं, पर प्यार से बड़ा हक तो शायद कुछ होता ही नहीं। मैं मले की पत्नी के रूप में उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं कर सकती, पर अपने प्यार के नाते मैं अपने मले की सलामती की प्रार्थना करती हूं। भले ही मैं एक ऋषिकन्या हूं, पर मेरा प्यार जहरीला नहीं। आपने मुझे हर बुराई से लड़ने की शक्ति दी है भगवान, अब मुझे मेरे प्यार की सलामती के लिए हिम्मत भी दे दीजिए। लग रहे ना दोनों सही? मले, लगता है भाई का पारा भी उतरा नहीं है। हाँ ना,
पर इनको आज कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा ताकि हमारा झगड़ा सुलझ जाए। बाप रे, भगवान को भी धमकी? सही है। वैसे आज खीर बन रही है ना, तो याद रहे कहीं गलती से खीर में भी आज नमक ना डल जाए, वरना मले बाबा के साथ साथ शिवजी बाबा जी भी। क्या भैया आप भी ना? अरे अरे भाभी, I'm sure आज all okay हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। चल अभी सुन बेटा। अब मैं आता हूँ। गुड लक। आया माँ। शंख, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तैयारियां की हैं तीज की वरदान। देखो मैं मिठाइयाँ लाई आज के फंक्शन के लिए, ताकि तुम्हें गेस्ट को नमक वाली मिठाई ना खिलानी पड़े। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं। ना ओहो, इतना गुस्सा वरदान, दोस्त के साथ क्या ऐसे बिहेव करते हैं? दोस्ती में दोस्तों के साथ हमेशा केयरफुल नहीं रहना पड़ता, और अप्पू तुम्हारे इरादे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि कल तुम अपने कमरे में भी नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम इस घर का भला नहीं चाहती, और जो इस परिवार का बुरा चाहेगा मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकती। मुझसे दोस्ती रखना इतना भी मुश्किल नहीं है वरदान, और प्यार करना भी। चाहो तो अपने पति से पूछ लो, अपने पति से पूछ लो। प्यार और दोस्ती की तुम्हारी ये बातें मेरी समझ के तो परे, और मैं समझना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ मले की, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना चाहती, और कुछ नहीं। और मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी अप्पू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रख सकती। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आज के इस फंक्शन में तुम इनवाइटेड नहीं हो। और हाँ, अपनी ये मिठाइयाँ भी साथ लेके जाओ। थैंक यू। वाह वरदान, मेरे प्यार को धोखे से तुमने अपना पति बना लिया, और अब मुझे बुरा कह रही। तुम बचपन से ही इतनी सीधी होने का नाटक करती आ रही हो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो मले की सेफ्टी के लिए किया, और आज भी जो कुछ कर रही हूँ वो मले के लिए कर रही हूँ। तुम बार बार हार कर भी थकोगी नहीं ना वरदान, कब समझोगी तुम कि अगर मुझे यहाँ होना है
तो तुम मुझे नहीं रोक सकते और आज भी नहीं रोक पाओगी। आज का त्योहार एक पत्नी का त्योहार है और आज एक पत्नी ही जीतेगी। आज जो भी हो जाए तुम मले के आसपास भी नहीं आ पाओ, मले के आसपास भी नहीं आ पाओ। सो प्लीज समझती क्या है अब्बू? पता नहीं लोगों के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है। दीदी का है, नोटपैड दीदी का है, पेन दीदी का, पेपर में कंजूसी क्यों कर रहा है? बदसूरत फेलो। बदसूरत? हॉलीवुड चला जाओ ना, हीरो ले ले मुझको। और कंजूसी नहीं कहते इसे, इसे कहते हैं बचत, सेविंग, बचाना। अब किसी काबिल जिम्मेदार आदमी को तो बचत करनी पड़ेगी ना इस घर में। ए लक्ष्मी भैया, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये कौन सी लक्ष्मी है? ये डॉलर है, समझा? अरे तुम लोग अभी तक यही लाइफ भी काट रहे हो? अरे नीचे चलो, देखो दीदी ने क्या नजारा बना रखा है। एक से एक हसीन चेहरा, खूबसूरत। बाय गॉड, लाइफ बन जाएगी। चलो अब सुंदर रेडी। ये तैयार है महाराजा रा, इसको ले जाओ, मुझे बहुत काम है, समझे? मुझे नहीं देखने नजारे हो जा रहे। अरे चलना है। अरे कहाँ ना जाओ ना। ठीक है चल, छोड़े से तू जा। बड़ा आया, कोट पहन के नीला सियार बना घूम। क्योंकि आज के इस फंक्शन में तुम इनवाइटेड नहीं हो। आज का त्योहार एक पत्नी का त्योहार है और आज एक पत्नी ही जीतेगी। तुम मले के आसपास भी नहीं आ पाओ, मले के आसपास भी नहीं आ पाओ। आई लो निकम जी, कैसे याद किया आपने मुझे? कावेरी जी, अब क्या बताऊं, आजकल तो दिन रात बस आपकी याद आती है। आपसे ना मैं एक बात कहना चाह रहा था। हाँ जी बोलिए। कावेरी जी, वो आपने कहा था कि आपके पास एक ऐसा तरीका है कि जिससे मैं हर बार लॉटरी जीतूंगा और कभी पैसे नहीं हारूंगा। एकदम करेक्ट। कैसे कावेरी जी, ऐसा कैसे हुआ कि मैं हर बार लॉटरी की रेस का भाग मिलकर भाग बन जाऊंगा? है अब देखिए निकम जी, लॉटरी का टिकट किसको देना वो मेरे हाथ में। तो अगर मैं सारा टिकट आपको दे दूं, तो अगर आप रेस में अकेला दौड़ेगा तो कोई और कैसे जीतेगा निकम जी? ये सब आप मेरे लिए करेंगी? अब देखिए, फ्री में तो मैं अपने लिए भी कुछ नहीं करती, पर आप मुझे 10% कमीशन दे दीजिए
मैं आपको सारे टिकट दे दूंगी। 10%। अच्छा मैं ना सोच के आपको दोबारा फोन करता हूँ। हाँ ओके निकम जी। बढ़िया ही 10%। ये तो ना चश्मे से ही लालची लगती है। एक बार निकम बेटा तू लॉटरी जीत जा तो इसको मिलेगा 0/0। एक बार देख लीजिए। क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज एक बार। मले ने तो नोटिस ही नहीं किया। पूजा के मुहूर्त का समय हो गया है। अरे चलिए सब लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। हाँ आप लोग भी आ जाओ। स्टार्टेड करें पूजा। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यापनरेकाक्षोषा वहमा वहंतरा शुचिहा ओम सुमुखचैकदन्तशुचो कपलोकचकणका लम्बोदरस्य विक्रो विनाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो वालचंद्रो गजानना द्वयदशानी नामन पच्छु जप्ति। ये निगम भी पता नहीं किस हिसाब किताब में लगा हुआ है। अरे छोड़ो उसे। यहां देख एक से एक चेहरा किसी की भी लाइफ बन जाए। गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पुष्पम समर्पयामि। तीज के दिन भारतीय नारी माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और उसकी रक्षा की मनोकामना करती। ये लो बेटा इस प्रसाद को सबको बांटते। Thank you.
वरदान एक मिनट दीदी हाँ पूजा तो खत्म हुई आज तीज का त्योहार है और इतना रूखा सूखा कुछ रंग जमाना चाहिए गाना बजाना होना चाहिए है ना क्यों नहीं तो शुरुआत आपकी बहू से करते हैं डांसेस मैं नहीं नहीं मुझे नहीं आता ना ना वरदान ऐसे कैसे हो सकता है आज तीज है तो नाच गाना तो होगा ही और क्योंकि शादी के बाद तुम्हारा ये पहला त्योहार है तो शुरू तो हम तुमसे ही करेंगे नहीं नहीं आंटी मैं कैसे करूं अरे करो ना मले तू कहाँ जा रहा है बोलना इसे